हे फूड लवर्स, मैं रिचा एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ इंस्टेंट सोलो माइक्रोवेव ढोकले की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये सॉफ्ट और स्पंजी ढोकला केवल 10 मिनट में रेडी हो जाता है और इसका टेस्ट बिल्कुल मार्केट के ढोकले के जैसा होता है। तो चलिए इस इंस्टेंट 10 मिनट के सोलो माइक्रोवेव ढोकले की रेसिपी को शुरू करते हैं। तो ढोकले के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक कप बेसन ले लिया है। एक कप बेसन में हम यहाँ पे आधा कप दही ऐड कर देंगे। इसके बाद मैं इसमें हल्दी ऐड कर दूंगी। ध्यान रहे कि हमें एकदम चुटकी भर हल्दी का यूज करना है, बहुत ज़्यादा हल्दी का यूज ना करें। अब मैं इसमें एक चुटकी हींग ऐड कर दूंगी। यहाँ मैंने एक इंच अदरक के टुकड़े को फाइनली चॉप कर लिया है और दो हरी मिर्च को काट लिया है, तो इसे भी इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें 2 टीस्पून शुगर ऐड कर देंगे और 1 छोटा चम्मच ही अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक को ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने आधा कप पानी ले लिया है। पहले हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। एक साथ ज़्यादा पानी ऐड ना करें, नहीं तो आपका बैटर पतला हो जाएगा। हमें बैटर बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा पानी ही ऐड करें। यह मैं थोड़ा सा पानी और ऐड कर लूँगी और इसे हम अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए विस्क करेंगे ताकि हमारा बैटर थोड़ा सा लाइट और फ्लफी हो जाए। बैटर को हमें एक ही डायरेक्शन में विस्क करना है, इसे दोनों डायरेक्शन में विस्क ना करें। लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, हमारा बैटर एकदम लाइट और फ्लफी हो चुका है। बैटर को अच्छी तरह से फेंटने से हमारा ढोकला बहुत अच्छे से राइज होता है और एकदम सॉफ्ट और स्पंजी बनता है। बैटर की कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है, हमें बहुत ज़्यादा थिन या बहुत ज़्यादा थिक बैटर नहीं रखना है, इसे सेमी थिक कंसिस्टेंसी में ही रखना है। अब हमें इस बैटर में 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर देना है। तो पहले मैं यहाँ पर 4 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर रही हूँ, तो ऑयल को भी हम बैटर में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम बैटर में फ्रूट सॉल्ट डाल देंगे, लेकिन उससे पहले हमें जिस कंटेनर में ढोकला बेक करना है उसे हम ग्रीस कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे कंटेनर को अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लूँगी। अब मैं एक छोटी कटोरी में इनो फ्रूट सॉल्ट को डाल दूँगी। अब मैं इस इनो फ्रूट सॉल्ट को 1 टेबल स्पून ऑयल में मिक्स करके इस बैटर में ऐड कर दूँगी। फ्रूट सॉल्ट को ऑयल में मिक्स करके ऐड करने से हमारा ढोकला अच्छे से राइज होता है। अब हम बैटर को एक बार अच्छे से मिक्स कर देंगे और बैटर को बेकिंग कंटेनर में पोर कर देंगे। इसे हल्का सा टैप कर देंगे और इसे माइक्रोवेव में रख देंगे। माइक्रोवेव में हम हाई पावर पे 5 मिनट का टाइमर सेट कर देंगे। जब तक ढोकला रेडी हो रहा है तब तक हम इसके लिए टेम्परिंग तैयार कर लेते हैं। टेम्परिंग के लिए मैंने यहाँ पे तड़का पैन में थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है तो हम यहाँ पे गैस का फ्लेम लो रखेंगे और इसमें थोड़े से मस्टर्ड सीड्स डाल देंगे। जब मस्टर्ड सीड्स हल्के से क्रैकल हो जाएं तो हम इसमें 7 से 8 करी पत्ते डाल देंगे। इसके साथ ही मैं यहाँ पे 2 स्लिट की हुई हरी मिर्च भी डाल दूंगी। अब मैं इसमें 2 टेबल स्पून चीनी ऐड कर दूंगी और इसके साथ ही 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर देंगे। अब हमें इसमें लगभग 1/2 कप के करीब पानी को ऐड करना है। अब हम इसे 1/2 मिनट के लिए बॉईल कर लेंगे। हमारी ढोकले की टेम्परिंग रेडी हो चुकी है। 5 मिनट हो चुके हैं, हम ढोकले को चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे नाइफ हमारा एकदम सूखा आ रहा है, इसका मतलब कि ढोकला अच्छे से कुक हो चुका है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे, तो इसे सावधानी से निकालें, ये काफ़ी गर्म है। अब हम इसे थोड़ी देर के लिए हल्का सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। हमारा ढोकला हल्का सा ठंडा हो चुका है, तो अब हम इसे डिमोल्ड कर लेंगे। नाइफ की हेल्प से इसके किनारों को हम अलग कर लेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। इसे बैक साइड से हल्का सा टैप करेंगे और हमारा ढोकला अच्छे से डिमोल्ड हो जाएगा।
ये देखिए ढोकला एकदम परफेक्टली निकल चुका है। अब हम इसे दूसरी प्लेट में सीधा कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारा ढोकला कितना सॉफ्ट और स्पंजी बना है। तो अब हम ढोकले को पीसेज में कट तो अब हमने जो टेम्परिंग बना के रखी थी वो हम ढोकले के ऊपर डाल देंगे। अगर आपको ढोकले में लिक्विड टेम्परिंग नहीं पसंद है तो आप सिंपली तेल में मस्टर्ड सीड, करी पत्ता और हरी मिर्च का तड़का लगा के इसे गार्निश कर सकते हैं। ढोकले को सर्व करने से पहले इसे 20 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि टेम्परिंग ढोकले में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो है ना एकदम कमाल की रेसिपी। तो जब भी आपका ढोकला खाने का मन करे तो आप इसे इंस्टेंट 10 मिनट की ढोकले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। ये रेसिपी एकदम ईजिली बन जाती है और इसका टेस्ट एकदम मार्केट के ढोकले के जैसा आता है। तो इस सोलो माइक्रोवेव ढोकले को एक बार आप ज़रूर बनाकर ट्राई करें और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो के नीचे लाइक के बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे वीडियोज की पहली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मैं मिलती हूँ आप सबसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।